हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूँ संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7वां वीडियो है जिसमें मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बताऊंगा और इफ एल्स इफ के बारे में बताऊंगा और ये सब क्या है, मतलब ये भी डिसीजन मेकिंग है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था इफ और इफ एल्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ नेस्टेड इफ और फिर मैं लाइब्रेरी फाइल को सबसे पहले जो है इंक्लूड कर लेता हूँ। मैंने इंक्लूड कर लिया लाइब्रेरी फाइल और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिख लिया अपना। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, ए कॉमा बी, दोनों ही इंटीजर डेटा टाइप के। फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर एनी टू नंबर, यूज़र को मैंने दिया। अब यूज़र जो है दो नंबर कोई भी डाले जाए। इनपुट के लिए मैंने स्कैनर का यूज़ किया, डबल यूनिट कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा जो कि परसेंटेज डी होगा क्योंकि जो हमारा डेटा टाइप है इनपुट वेरिएबल का वो इंटीजर का है। फिर एंड लगा के मैंने ए लिखा, फिर एंड लगा के मैंने बी लिखा क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स के इनपुट लेने थे। अब मैंने फिर से कंडीशन के लिए इफ़ कीवर्ड का यूज़ किया और मैंने कंडीशन चेक करी क्या ए जो है वो 50 से छोटा है। अगर छोटा है तो मैं फिर से एक इफ़ लगा के एक नई कंडीशन चेक करूँगा, क्या बी है वो 50 से छोटा है। अगर है तो फिर मैं एक जो है मैसेज प्रिंट कराऊंगा और उसमें लिखूंगा बोथ ए एंड बी इज लेस देन 50। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं एक एल्स लगा देता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ कि ओनली ए इज लेस देन 50, सिर्फ ए ही जो है छोटा है 50 से। और फिर मैं इस पूरे स्टेटमेंट से ये अंदर के बाहर आ जाता हूँ यहाँ पर। और क्योंकि हमें पता चल चुका था पहले वाले कंडीशन में कि ए जो था वो जो है आपका 50 से छोटा था और बी जो था वो भी 50 से छोटा था, तो ये कंडीशन प्रिंट हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाती है कि केवल जो है ए ही केवल 50 से छोटा है। तो इस तरह का अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं कंडीशन में तो इसको नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें एक इफ के अंदर दूसरा इफ है और इस इफ के अंदर फिर आप एक अपना इफ डाल सकते हैं, इस एल्स के अंदर भी आप एक इफ डाल सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम को नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले मैं इसको रिटर्न 0 लिखकर कंप्लीट कर लेता प्रोग्राम, फिर मैंने इसे कंपाइल किया, फिर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। मैं दो नंबर डाल देता हूँ, एक 10 डाल देता हूँ और एक स्पेस देके 60। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। फिर मैं एंटर दबाता हूँ और ये देख सकते हैं आप आ गया कि जब ये पहले ए इक्वल टू 10 था तो उसने चेक किया क्या इफ़ ए छोटा है 50 से, हाँ बिल्कुल है, तो ये अंदर चला गया इसके। फिर उसने चेक किया क्या बी छोटा है 50 से, तो ये फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो ये एल्स पे आ गया और इसने जो है यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। यहीं से मैं आपको कुछ चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो इफ़ जो ये कंडीशन होता है ये तभी एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट जब यहाँ पे ट्रू वैल्यू होती है या फिर वैल्यू 1 होती है। और अगर यहाँ पे जो कंडीशन की वैल्यू अगर फॉल्स आ जाती है तो दूसरा जो भी होगा एल्स में जो होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। और चाहे तो आप यहाँ पे और दूसरे भी ऑपरेटर्स लगा सकते थे, ग्रेटर देन का लगा सकते थे, इक्वल टू का लगा सकते थे, नॉट इक्वल का भी लगा सकते थे कि ए अगर 50 के इक्वल ना हो तो हम दूसरा कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरीके से कर सकते थे। मतलब ये दूसरे कंडीशनल ऑपरेटर जिनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप कुछ प्रोग्राम बनाइए, प्रैक्टिस करिए, उससे जो है आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे जो कि हमारा इफ़ एल्स इफ का है। और इस प्रोग्राम में होगा ये कि मैं 3 नंबर इनपुट लूँगा और मैं प्रोग्राम के जरिए ये बताऊँगा कि इन 3 नंबर में से कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा है, मतलब ग्रेटेस्ट है। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ ग्रेटेस्ट और मैं सेव कर लिया। लाइब्रेरी फाइल्स में इंक्लूड कर लेता हूँ सबसे पहले। फिर मैं आपका मेन फंक्शन बना लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके 3 वेरिएबल लेता हूँ ए बी और सी जो कि इंटीजर टाइप के। फिर मैंने यूजर को मैसेज दिया कि आप जो है 3 नंबर डालिए, एंटर एनी 3 नंबर। अब उसके बाद जो है मुझे इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनफ का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद
ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो इनपुट है वो किस टाइप का इंटीजर है, तो परसेंटेज डी और परसेंटेज डी, क्योंकि तीन वेरिएबल्स चाहिए। तो फिर मैंने डाला एंड ए एंड बी एंड सी, या हमारे यहाँ तक की लाइन में हमारे तीन वेरिएबल्स के इनपुट हो गए। अब मुझे कंडीशन पहली जो चेक करनी है, अगर ए तीनों से दोनों वेरिएबल, अगर ए दो है दो नंबर से बड़ा होता है, मान लीजिए बी और सी से, तो हमें कंडीशन क्या चेक करनी होती है, हमें चेक करना होता है इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब यहीं पर एक शब्द और आ गया एंड, तो यहाँ से मैं आपको एंड ऑपरेटर के बारे में बताऊँगा कैसे आप दो कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं और उनका जो है फिर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट लगाना होगा और उसके अंदर पहली कंडीशन लिखनी होगी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो। एंड एंड ऑपरेटर का जो है आपको डबल दो बार आपको ये एंड वाला लगाना पड़ेगा, जिसे एम्परसैंड भी कहते हैं। फिर आपको दूसरी कंडीशन लिखनी होगी और ये कंडीशन होगी, क्या ए जो है सी से बड़ा है? अगर ऐसा हो जाए तो आपको प्रिंटर में मैसेज देना होगा कि ए जो है ए इज द ग्रेटेस्ट, आपको ये मैसेज लिखना होगा। इस तरह पता चल जाएगा कि ए जो है सबसे बड़ा। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इफ जो है आपको पता है कीवर्ड है, किस लिए कंडीशन चेक करने के लिए होता है। सबसे पहले जो कंडीशन थी, क्या ए बी से बड़ा है कि नहीं, और उसके बाद फिर मैंने एंड लगाया। एंड का जो होता है दो कंडीशन को कंबाइन करने का होता है, और उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि ए जो है सी से बड़ा है। और मैं यहाँ पे कुछ एंड ऑपरेटर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एंड ऑपरेटर जब भी लग जाता है तब इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की ट्रू वैल्यू तभी होगी जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे जो ये है ये वाला जो कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा। और चाहे तो आप इसमें और भी एंड लगा के आप और भी इसी तरीके से कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। तो एंड का ये फंक्शन याद रखिएगा, जब जितने भी उसके जो सब एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि ये सब एक्सप्रेशन वन है, ये एक्सप्रेशन टू है, और इन दोनों का अगर जोड़ तो ओवरऑल एक्सप्रेशन होगा, तो दोनों ही सब एक्सप्रेशन जो ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज ये होल कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। ये एंड का जो है ऑपरेशन का स्टाइल है। उसके बाद मैंने इफ लिख लिया, अब मैं इफ एल्स इफ लिखूंगा। यहीं से एक नया जो है आपको कीवर्ड आता है एल्स इफ। इफ एल्स का तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास दो कंडीशन हो, मतलब आपने चेक किया कि ए जो है 50 से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो हम मान लीजिए हम एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 50, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने प्रिंटफ में दे दिया मैसेज कि ए जो है 50 से छोटा है उसके बराबर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको पता है कि जो है ए जो है 50 से बड़ा ही होगा, तो हम एल्स में लिख देते हैं 50। लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसा केस बन जाए प्रोग्राम में जब आपके पास मतलब कई सारे कंडीशनों की, जैसे यहाँ पे ए जो है बी से बड़ा होगा और ए सी से बड़ा होगा, या हो सकता है बी जो है ए से बड़ा हो या सी से बड़ा हो, और या हो सकता है आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो थर्ड केस लग जाए। तो जब आपके पास दो से ज़्यादा मतलब कंडीशंस आ जाती हैं तब आपको ये इफ़ एल्स इफ का यूज़ करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तब आपको जो है इफ़ एल्स इफ का मतलब यूज़ करना पड़ता है। तो अब इफ और एल्स इफ का यूज़ करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, फिर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, बी जो है क्या बड़ा है ए से, हमें ये चेक करना है। उसके बाद फिर हमें एंड लगाना है, क्योंकि हमें दो कंडीशन चेक करनी है। अगर बी जो सबसे बड़ा है तो ए से भी बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। बी क्या सी से बड़ा है, तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये कर्ली ब्रैकेट लगा कर लिख देता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब जो है बी इज द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, बी इज द ग्रेटेस्ट। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ये दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपका जो है सी ही बड़ा होगा, जो सी वाली वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो वहां पे लिख लेते हैं सी इज द ग्रेटेस्ट, ये जो हमारा हो गया कंप्लीट। और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो लगा देता हूँ और गेट सी एच भी लगा लीजिएगा। अगर आप ये कोड ब्लॉक के अंदर से जो आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं
तो आपको गेट सी लगाने की जरूरत नहीं होती, मतलब कंपाइल करके रन कराते हैं। अगर आप फोल्डर में जाके exe फाइल को रन करेंगे तो फिर गेट सी लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम रुकेगा नहीं, वरना वो झट से बंद हो जाएगा तुरंत। मैं आपको आगे वाले इसके बाद वाले वीडियो में आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, वो भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, उसमें गेट सी का क्या रोल है असल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। तो चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने इसको बिल्ड कर लिया, फिर मैं इसको रन करता हूँ। अब इसने पूछा मुझे तीन नंबर देने, तो मैं यहाँ पे जो ए की वैल्यू सबसे बड़ी देता हूँ 50, दूसरे नंबर में 10 देता हूँ जो बी की वैल्यू होगी, और सी को मैंने 20 नंबर दे दिया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो देखिए क्या हुआ। इसने चेक किया, पहले ये प्रोग्राम ने इनपुट लिया, फिर ये आगे बढ़ गया और उसने चेक किया क्या जो ए है, ए जो है क्या बी से बड़ा है, तो बी की वैल्यू 10 है, बिल्कुल बड़ा है। क्या ए जो है सी से बड़ा है, ए जो हमारा 50 है और सी जो है 20, तो इसका मतलब ए बड़ा हुआ। तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया। अब मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, और दोबारा रन करने पर ये आ गया else if का, आप देखते हैं। अब हम जो है बी की वैल्यू बड़ी डाल सकते, तो मैंने 10 डाल दिया, बी की वैल्यू 50 डाल दी। और जब भी आप एक ही लाइन पर तीन एक से ज़्यादा नंबर के जो है इनपुट दे, तो हमेशा पहला नंबर लिखने का स्पेस ज़रूर दे दीजिएगा। एक मैंने स्पेस दे दिया और फिर उसके बाद मैंने एक वैल्यू 30 डाल दी। तो यहाँ पे मैंने ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 50 और सी इक्वल टू 30 दे दिया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए ये देखिए बी जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो आगे। तो इस बार क्या हुआ, इनपुट लिया, इस कंडीशन को चेक किया, पहली वाली कंडीशन को, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो है ए जो थी हमारी 10 थी, और क्या ए बी से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, यहीं पे फॉल्स हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एंड लगाते हैं और दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। इसी तरीके से एक और भी ऑपरेटर होता है, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए डबल पाइप वाला जो होता है, पैरेलल लाइंस की तरह दिखता है, इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है। इसका भी मैं आगे के प्रोग्राम्स में यूज़ करूंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर ये वाली फॉल्स हो गई, फिर else if पे आ गया, इसने चेक किया क्या ये b जो है 50 है, तो क्या a से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। c जो है 30 था, b 50 था, तो बिल्कुल बड़ा, तो इसने बता दिया जो b जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है हम अब थर्ड केस अपना जो है c का चेक कर लेते हैं, c के बारे में। तो इस बार मैंने 10 दे दिया, 20 दे दिया और 30 दे दिया, एंटर दबाया, देखिए आ गया सी इज़ द ग्रेटेस्ट। तो इसमें फिर से वही हुआ, इनपुट लिया, इसने चेक किया क्या ए जो है वो 10 था हमारा, तो क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है, तो फॉल्स हो गया। तो इस तुरंत आगे बढ़ गया, else if पे गया, इसने चेक किया क्या बी जो है ए से बड़ा है, हाँ बड़ा है। और उसने फिर ये चेक किया क्या बी सी से बड़ा है, नहीं, तो मैं फॉल्स हो गया। मैंने आपको बताया था कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाती है एंड के केस में, तो इसलिए फॉल्स हो गया और यहाँ else पे आ गया, क्योंकि जब a से भी a बड़ा नहीं है, b बड़ा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है c बड़ा होगा, तो c आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाइए, जैसे एक प्रोग्राम आप बना सकते हैं क्या, और लीप ईयर का बना सकते हैं। आप कोई यूज़र से इनपुट लीजिए ईयर का, जैसे मान लीजिए 2014 डाला उसने, उसको आप लोग जो है चेक करिए क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर चेक करने के लिए आपको मॉडुलर ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये ऑपरेटर होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपका इसका कोई एग्जांपल नहीं दिखाया, बट मैं आगे की वीडियोस में आपको दिखा दूंगा कि इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी आपका कोई सवाल हो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, जितना भी मैंने आपको बताया है ये इसमें else if के बारे में और आपके नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मुझे सवाल पूछिए, जो भी अगर आपको समझ में ना आया हो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।